राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 14 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। सन 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर एक समुद्री जहाज़ जो इंग्लैंड से रोई के बंडर विस्फोटक सामग्री व हथियार लेकर आया था, मैं अचानक आग लग गई और उस आग को बुझाते हुए मुंबई अग्निशमन के 66 कर्मचारी वीरगति को प्राप्त हो गए। उन वीरों की शहादत व्यर्थ ना जाए, इसलिए हर वर्ष 14 अप्रैल को उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और उस रूप में राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 14 और से 20 अप्रैल तक हमारा फायर वीक डे चलता है, जिसका उद्देश्य ये रहता है कि हम लोगों को जगह जगह जाकर मॉक ड्रिल आयोजित करके लोगों को आग के बारे में जागरूक करें ताकि नुकसान ना हो। 15 तारीख को साय हॉस्पिटल नाहन में मॉक ड्रिल का आयोजन करके लोगों को आग के बारे में जानकारी दी। 16 तारीख को सार्वजनिक स्थल बस स्टैंड नाहन में फायर इक्विपमेंट साजो सामान की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को फायर इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दी व आग को किस तरह बुझा जाता है उसके बारे में जानकारी दी। 17 तारीख को हमारे जो नाहन शहर में हाईनेट लगे हैं उनका रख रखाव, उनका निरीक्षण किया व स्टेशन की साफ सफाई करवाई गई। 18 तारीख को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को आग को प्रथम चरण में बुझाने के बारे में बताया गया या एलपीजी सिलेंडर में कभी आग लग जाए तो उसको किस तरह बुझाया जाता है उसके बारे में जानकारी दी। 19 तारीख को ग्रैंड व्यू होटल जामटा में हमने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें ऊपरी मंजिल में यदि कभी आग लग जाए तो उसको किस तरह बुझाना है या उस वहाँ से किस तरह के मानव को बाहर निकालना है। और आज 20 तारीख को हमारा अग्निशमन सप्ताह दिवस का अंतिम दिन है, तो आज हम मीडिया के द्वारा लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि फायर वीक डे में जो हमने लोगों को जानकारी दी उसके प्रति वफादार रहें और सावधानी बरतें आग के प्रति, ताकि आग का नुकसान कम हो सके।